76 मंजिल राजधानी लखनऊ की ऐतिहासिक इमारत है। ये ऐतिहासिक इमारत गोमती नदी के तट पर स्थित है। इंडो इटालियन स्थापत्य का बेजोड़ नमूना कही जाने वाली ये इमारत रखरखाव के अभाव में बर्बादी की कगार पर पहुंच गई है। 76 मंजिल लखनऊ का एक ऐतिहासिक भवन है। इतिहास के मुताबिक इसकी नींव नवाब सयादत अली खान ने रखी थी। उन्होंने इसे अपनी मां छतर कुंवर की याद में बनवाना चाहा था। इसको बनवा रहे नवाब काजी उद्दीन हैदर की मौत के बाद उनका उत्तराधिकारी नवाब नसीरुद्दीन हैदर ने इस ख्वाब को पूरा किया। इस दो मंजिली इमारत का मुख्य कक्ष दो मंजिला ऊंचाई का है और उसके ऊपर एक विशाल सुनहरी छतरी है जो दूर से देखी जा सकती है। इस छतरी के कारण ही इस भवन का नाम 76 मंजिल पड़ा है। 76 मंजिल में शानदार दीवान खाना, कई तहखाने, सुरंग और मेहराब है। ये इमारत गर्मियों में खासी आरामदेह थी। बादशाह अमजद अली शाह की बेगम खास तौर पर इस इमारत में गर्मियों के दिन में आती थी। हमारे ठीक पीछे जो इमारत आप देख रहे हैं, ये 76 मंजिल है। 1798 में जब सादत अली खान अवध के नवाब हुए तो उन्होंने अपनी माता छतर कुंवर के नाम पर ये कोठी बनवाई। वो हिंदू थी। आप देखिए कि इसके ऊपर एक छत्र भी है, वो सोने का है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसके ऊपर कभी एक हीरा भी हुआ करता था जो रात में पूरे शहर में, पूरे लखनऊ में चमका करता था। बहरहाल 1798 में सादत अली खान ने इसको शुरू कराया और उसके बाद बादशाह गाजीउद्दीन हैदर, फिर उनके बाद नसीरुद्दीन हैदर, उन्होंने आगे चल करके तकरीबन 1837 के आसपास ये पूरी इमारत खूबसूरत तरीके से लोगों के सामने आई। अवध की बेगमात जो थीं उनके रहने की जगह थी ये। और जैसा मैंने आपको अभी नीचे दिखाया कुछ देर पहले कि किस तरह से तहखाने होते हुए 27 महल जो इंटरकनेक्टेड थे इस 76 मंजिल से, वो बेगमात आया जाया करती थी। गोमती में सैर सपाटे के लिए भी इंतज़ाम था, वो बोट वहाँ पर रहती थी और गोमती में सैर सपाटे के बाद फिर वो इस महल में लौट आया करती थी। नवाब वाजिद अली शाह जब अपने आखिरी दौर में पहुँचे तो फिर ये जगह शाही निवास के तौर पर पहचानी गई। नवाब वाजिद अली शाह आखिरी समय में आकर यहीं रहते थे। 1857 में क्रांतिकारियों ने भी इस जगह का इस्तेमाल क्रांति के लिए किया था। यहाँ पर तमाम मीटिंग्स होती थी, बैठ के हुआ करती थी। आप देखें कि कोठी फरहत बख्श इंडो फ्रेंच स्टाइल की इमारत है और ये जो 76 मंजिल है ये इंडो इटालियन स्थापत्य कला का एक बेजोड़ नमूना है। आप देखें कि कितनी खूबसूरत इमारत है और इटली में जो पुरानी इमारतें हैं, लोग कहते हैं कि वो उससे मिलती जुलती ये इमारत है जो हिंदुस्तान में शायद ही दूसरी जगह पर कहीं देखने को मिले। अभी इसका पुनरुद्धार हो रहा है, अंदर अभी ये टूरिस्ट के लिए खोला नहीं गया है। जब खोला जाएगा तो यकीनन लखनऊ के लिए ये एक बेहतरीन चीज़ होगी और बाहर से आने वाले जो टूरिस्ट हैं, जो इंडो इटालियन और इंडो फ्रेंच शैली की इमारत हिंदुस्तान में देखने के लिए तरस गए थे, उनके लिए ये जगह हो जाएगी। बहुत लंबे समय तक CDRI का यहाँ पर दफ्तर रहा, अब इसको फिर से खाली कराकर इसका पुनरुद्धार कराया जा रहा है। लखनऊ की बेमिसाल बेजोड़ इमारतों में से एक ये भी इमारत होगी जो आने वाले कुछ समय में पर्यटकों के लिए खोली जाएगी।